नमस्कार, मैं नबील गौर और आज हम पहुँचे हैं मेरठ विधानसभा में। रास्ते से गुजर रहा था तो देखा कुछ महिलाएं खेत में काम कर रही हैं, तो इनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर रुक गया। आइए इनसे चुनाव को लेकर कुछ बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता। जैसा 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, कितना खुश है आप सरकार के कामों से? खुश? भैया क्या खुश है, हमें तो आज भी काम यही करना, कल भी यही करना, हम तो खुश ही खुश हैं। पर एक देखा था महंगाई, लाभ नहीं हुआ। हाँ क्या बता। अच्छा, महंगाई इतनी बढ़ गई, कुछ असर पड़ा? असर पड़ा, खाने को टाइम पे बाजी पैरा इतनी परेशानी हो जाए घरों में भी, गरीब आदमी पता क्या कर ले इतनी महंगाई में। हाँ क्या काम कर रहे हो आप, क्या क्या चीज़ बो रखी है? मूली बो रखी, हम तो मूली ना ला रहे भैया, लाला की मूली ना ला रहे, मजदूरी है हमारी तो। महंगाई इतनी बढ़ रही, गरीब आदमी की मजदूरी बढ़ना रही, बात बच्चे जवान है, पैसा कहाँ से आए। अच्छा, जैसा पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, तो बताओ क्या करें? और बता, इसमें का गुजारे हो रहे, 800-1000 रुपए का सिलेंडर हो रहा, क्या कर ले। सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हो पाए हैं? अरे हाँ पूरे हो रहे, कुछ भी ना हो रहा। चलिए, एक हमारे साथ और महिलाएं मौजूद हैं, इनके पास भी लिए चलते हैं आपको। जी क्या नाम है आपका? शिक्षा। अच्छा, जैसे विधानसभा चुनाव आने हैं अम्मा 5 महीने बाद, कितना खुश है आप सरकार से? सरकार से तो खुश है भैया, हमारे भी कुछ हिल्ला पाना चाहिए जो हमें घर मकान मिल जाए। मजदूरी ना छूट जाए, अपने घर में रह जाए। खुश है आप सरकार से? खुश है। हाँ जी। ये जितनी महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस पर महंगाई है, फिर भी खुश है आप? बस ये खुशी है जब अपना गुजारा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, मजदूरी करते रहे हैं। गुजारा नहीं है भैया। हाँ हम तो भैया हिल्ले पे रह रहे हैं। 2017 में आपने किसको वोट किया था? मायावती को। हाँ मायावती को दी थी। अब की बार किसे देने का इरादा है वोट 2022 में विधानसभा चुनाव होने? हाँ भैया जब टाइम होगा, जब पता लगा। फिर भी सोचा तो होगा कि सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी, इसको वोट देंगे हम। भैया मायावती को भी दे सके, मोदी की भी जा सके, पता कुछ नहीं। कुछ भी ना बनवाया हमारा भी। चलो तेरा नहीं, तुम्हारा नहीं बना। किराए पे रह रहे भैया, हम तो किराए पे रह रहे, मजदूरी कर रहे हैं। यानी आपका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया, ना मकान ना कुछ? किराए पे रहते हैं हम तो, किराए पे रहते हैं भैया, मजदूरी करते हैं, मजदूरी हमारे बालक करे, मजदूरी हमारा आदमी करे। फिर भी आप बोल रही हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है? सरकार अच्छा काम कर दे हमारे लिए तो बहुत बढ़िया ही है। नहीं, आपने भी बोला ना कि सरकार अच्छा काम कर रही है, क्या अच्छा काम किया अब तक सरकार? बस जी जो ये सरकार ने हमें तो ये दे रखा, खुरपा दे रखा। हाँ नोटबंदी कर दी, कोरोना लगा दिया। हाँ कुछ दिन को काम पे भी न जान दिए, घरों में सुन लिखड़न दिए, आधी दुनिया भूखे मरे भैया, बहुत ज्यादा। हाँ ये और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनके पास भी चलते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार। विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में, नज़दीक ही है चुनाव, तो क्या लगता है आपको, कौन सरकार ने अच्छा काम किया है या फिर परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, क्या लगता है आप? ऐसा है कुछ काम जो इन्होंने ठीक भी किया मेरे नॉलेज से, लेकिन जो गरीब तबके का आदमी है, जो गरीब दर्जे का आदमी, इसके लिए कुछ नहीं किया, जो कहा वो सब बेकार की बात है। लेकिन जो किया इन्होंने बड़े लोगों के लिए किया, जो रईस आदमी, और आज की तारीख में तेल और खाने की जो राशन है उन पर सब पे पैसा बढ़ा हुआ, और मैं बीजेपी को वोट दी मैंने लगभग कई वर्षों से, लेकिन अब मेरा मन ये हटा हुआ है यार, तेजी मजदूरी करता हूँ मैं भी, मेरे पास कुछ नहीं है बताऊँ बात, लेकिन जो मेरे मकान की छत पड़ी हुई है कच्ची, आप देख लेना, ये नंगला तासी कंकरखेड़ा मेरठ, नंगला तासी बाईपास नहीं, यहीं पे मेरा मकान है अंदर गांव के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ कई वर्षों से बीजेपी का ही सभासद रहा, उनने कोई सुनवाई भी नहीं की,
अब की बार परिवर्तन होगा? अब की बार हमने मायावती का एक कैंडिडेट उठा था, उसे वोट दी, लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया। महेश चौधरी हैं यहाँ, महेश वे मायावती की सीट है बीजेपी की यहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं, मेरी कच्ची छत पड़ी है अभी तक, कुछ भी मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं क्या मान लूँ, मैं जे तो सभासद यहाँ मायावती से, सरकार केंद्र में बीजेपी की, तो गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं भाई, मैं तो साफ बात हूँ। रईस के लिए कुछ भी हो रहा वहाँ मैं नहीं पता। एक बात और है, अगर 2022 विधानसभा चुनाव में मायावती जी अपना कैंडिडेट उतारेगी और फिर चंद्रशेखर आजाद रावण भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे, तो उन दोनों में से आप किसको चुनेंगे? देखो मेरी सुनो बात, ये बीजेपी को जो वोट देते आ रहे हम कई वर्षों से, लेकिन इसके लिए मैं चेंजिंग दिमाग में आ रही, तब तुम्हारी सुनवाई नहीं तो हम तो कहीं ना कहीं और जाएंगे और मौका देख के करते हैं काम जैसे भी। ये हम अपने गरीबी की बात बता रहे, रईस का कोई पता नहीं, रईस तो सब बीजेपी में बड़े हुए, अब सब रईसों का काम हो रहा, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। जबकि हमारे जो परिवार जो आज 30 साल हो गए, 25-30 साल बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जो हमारे चचा था, लेकिन मैंने बीच में हटके मायावती को वोट दी क्योंकि ये गरीब के लिए चली बढ़िया, लेकिन उन्होंने मायावती भी रिल गई, क्योंकि जब ये सरकार रद्द बद हो जाए फिर कुछ नहीं, आदमी कहाँ विश्वास करे। विश्वास किया था बीजेपी पर कि हम ये काम करेंगे, लेकिन सब ये हिंदू मुस्लिम मैटर उठा लेते हैं, सब काम करते हैं। आप बीजेपी से भी ना खुश है और मायावती से भी ना खुश है? नहीं, मायावती का मेरा कुछ ध्येय है कि मायावती को ही जाएगी मेरी वोट इसके बाद, तो यानी आपका वोट मायावती की को ही जाएगा 2022 विधानसभा चुनाव में। अगर इन्होंने आप कुछ सुनवाई कर ली हमारे, यानी के कुछ हमारे अब भी कुछ मैटर हो गया तो हम शायद जुड़ जाए, नहीं तो मेरा मन कटने का है, मैं तो चाहे फिर कहीं भी कटने में जाए वोट, फिर ये नहीं भाई। एक बात सुनो, देश के ऊपर बाहर लड़ाई हो रही ठीक है, वहाँ करे जाओ, लेकिन अपना एक गरीब जनता का भी तो ध्यान करें। मैं 2 साल हो गए पिटते हुए फसल में, ये हम आधे पे बटाई चटाई पे बोले थे लाला लोगों की, तो कुछ नहीं मिलता हमें। अच्छा, जैसा किसान आंदोलन चल रहा है, खेती से जुड़े हुए ही आप भी किसान ही हो, तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको, जैसे मोदी जी ने कानून बना दिया है, क्या लगता है आपको, सही है या गलत है ये कानून, आप अपने हिसाब से बताइए। किसान के लिए तो किसान के, देखो मैं किसान नहीं, मैं तो मजदूरी करता हूँ, अध्याय बोल लेता हूँ, मुझे तो मजदूरी चाहिए, लेकिन किसान के लिए, किसान अपने हक पे लड़ रहा है, किसान हमें थोड़ी देगा, हमारे तो मजदूरी में से भी और 10 रुपये कम देगा। मैं अपनी परेशानी बताई, मैं किसान का मुझे नहीं पता, किसान की तो ये गोली 300-350 रुपये काउंट डल जा रही साल में, हम नौकरी करते हैं इनके लिए, तो उनका क्या बिगड़ रहा बताइए आप। मैं अपनी गरीब जनता का अपने, अब हमारे बच्चे हैं, दो तीन बच्चे पढ़े हैं, 3 बच्चे हैं, उनके लिए क्या नौकरी का कोई है साधन नहीं है, हमें तो नहीं दिखता इस बात से, हमने चलो पेट पट्टी बांध के पढ़ाई लिया, तो उनके लिए क्या है, कुछ नहीं। मुझे नहीं आस्था लग रही कि उनकी भी नौकरी मिल जाएगी। बताओ आप क्या बिजनेस करेंगे, क्या काम करेंगे, ऐसे ही करेंगे मजदूर जैसे हम कर रहे हैं। सरकार ने जो वादे किए थे आपको लगता है क्या वो पूरे कर पाई सरकार? मुझे तो नहीं लगता, आप इन 6 महीनों में क्या पूरे कर देगी बताइए आप, कर देगी पूरे? मुझे तो नहीं लगता, इतनी जल्दी तो नहीं होता। हाँ, साल भर पहले से स्टार्ट हो जाती जो उन्होंने पहले किया, चलो बीच में और कहानी पड़ेगा, काम पड़ेगा, अब कर देती वो इनकी राजी, अगर कुछ करा हमारे, मेरी कच्ची छत पड़ी हुई है, मैं तो जब मानता मेरी कच्ची छत बन जाती है, बताओ आप। योगी जी तो बोलते हैं मैंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है, ये जरूर है। उन्होंने जो है लैटिंग के लिए पैसे डाल लेते हैं, लैटिंग बनी हुई है मेरी, लैटिंग उनके वहाँ से आई और एक दफे 2-3 हज़ार वो 2-3-4 हाँ वो कम उसी के लैटिंग के लिए, लैटिंग के पैसे आए थे जो लैटिंग बनवाई मैंने, वो रखी गड्ढा खुदा हुआ, बस गड्ढा मैंने खुदवा, जितने पैसे उसमें गड्ढा खुदा वो बन गया बस। लेकिन प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको मकान, पक्के मकान दे दिए गए। मुश्किल है, मुझे तो यहाँ मेरे क्षेत्र में तो नहीं है किसी पे, आगे कहीं और हो तो मैं कहता नहीं, क्योंकि हम इतने पढ़े हुए भी नहीं हैं, जो हम पेपर ठाकर देख ले कि भाई कहाँ क्या हो रहा, ये तो है। मैं अपने क्षेत्र कह रहा हूँ, हमारे क्षेत्र में तो सब रईस हैं, हम तो मजदूर आदमी, हम नंगला थासी में रहते हैं, तो हम तो आज भी ऐसे कल भी ऐसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, एक और महिला हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? इधर हो जाइए थोड़ा कैमरे के साइड। आपका क्या नाम है? सीमा। अच्छा सीमा जी, बताइए, जैसे योगी जी कहते हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, तो आपकी नज़रों में कितना उत्तम प्रदेश बन पाया उत्तर प्रदेश?
भैया हम पढ़े हुए कहाँ, हमें इतनी कहाँ वो है। उत्तम प्रदेश यानी कि विकास इतना कर दिया है कि उत्तम हो गया है। अब भारे की तो सुनाए आ रही है कि हाँ कि कर रखा है, पर हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है। बाहर का तो बाहर का तब पता चलता है जब खुद जाकर देखते हैं। आप अपने क्षेत्र का बताइए, अपने क्षेत्र का बताइए। हमें अपने क्षेत्र का पता, हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। आपके विधायक जी भी पूछने के लिए नहीं आते, कुछ क्या समस्या है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं आता, हमारे पास कोई नहीं आया। हमारे तो कच्चे मकान हैं, वे भी बारिश में डर है गिरने का, उनमें भी चीज चूजा उनका भी हमें डर रहे है, पर हमारा कोई ऐसा काम नहीं हुआ अभी। अच्छा, 2022 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं यूपी में, किसको वोट देने का इरादा है आप? बस जो कोई हमारे घर मकान बनाओगा, कोई हमारी सहायता करेगा तो उसी के लिए हम उसे वोट देंगे। भी पार्टी तो कई हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और भाजपा है, इनमें से कौन सी पार्टी को चुनेंगे आप? जो हमारे हमारे गरीब आदमी के लिए हमारे पक्ष में होगा, सिर्फ उसी के लिए हमें। बातें तो सब करेंगे लेकिन पूरा करने वाला भी तो चुनेंगे ना आपको, किस पर भरोसा करते हैं आप? जैसे सबके साथ है ऐसी हम सभी के साथ हम जैसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम मौजूद थे मेरठ, उत्तर प्रदेश की मेरठ विधानसभा में। यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद थी जिनसे हमने बातचीत की। कुछ महिलाएं सरकार के कामों से खुश भी हैं तो कुछ ना खुश नज़र आ रही है।